नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जो रखता है राज और समाज से जुड़ी हर खबरें। और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस की खास खबरें। मैनपुरी के अलाउ थाना क्षेत्र के नगला केल गांव निवासी मुनीश उर्फ मनीष उर्फ मनु सिंह एक शातिर अपराधी है। उस पर कई थानों में करीब 21 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। वह गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा था, तभी रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश मुनीश क्षेत्र में देखा गया है। सूचना पर पुलिस ने भावंत पुल के पास चेकिंग शुरू की। देर शाम करीब 8:15 पर एक युवक बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस कर्मियों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो घेराबंदी देख मनीष बाइक मुड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और पीछा जारी रखा। साथ ही पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक गोली मुनीश के पैर में लगी, इसके बाद वह घायल होकर वहीं गिर गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कब्जे से तमंचा कारतूस और बाइक बरामद की है। सूचना मिलने के बाद SP कमलेश दीक्षित ASP राजेश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस टीम से बात करके जानकारी ली। घायल बदमाश को जिला अस्पताल भिजवाया तो वहीं SP ने बताया कि पकड़ा गया लुटेरा गैंगस्टर के मामले में वांछित था। उस पर करीब 21 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। मैनपुरी से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज एलाऊ थाने का मनीष उर्फ मुनेश उर्फ मनोज जो कि शातिर लुटेरा है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। कुरावली थाने से गैंगस्टर में वांछित चल रहा था और हाथरस के सिकंदर राव से भी ये लूट में वांछित था। इसके अन्य आपराधिक कृत्यों की जानकारी की जा रही है। आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसके कब्जे से एक तमंचा मौके से बरामद हुआ है, साथ ही एक काले कलर की प्लेटिना मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसके अन्य साथियों की जानकारी की जा रही है, साथ ही इसके आपराधिक कृत्यों की जानकारी की जा रही है। इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, अन्य वांछनीय कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल।